वन आवर का जो प्रोसेस है उससे कपड़ों की लाइफ कम हो जाती है। देखें, आप कपड़ों को जितना निचोड़ेंगे, जितना ड्राई करेंगे, डेफिनेटली उनकी लाइफ कम हो जाती है कपड़ों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन के आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एयर ड्राई फंक्शन को लेकर। ये एयर ड्राई फंक्शन जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो कमेंट में मुझे बताते रहते हैं। एक तो उनका माइंड ये कह रहा है कि भाई, आप वन आवर का जो प्रोसेस है उससे कपड़ों की लाइफ कम हो जाती है। देखें, आप कपड़ों को जितना निचोड़ेंगे, जितना ड्राई करेंगे, डेफिनेटली उनकी लाइफ कम हो जाती है कपड़ों की। अगर एयर ड्राई का फंक्शन है तो नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह के लिए, मतलब जहाँ पर कश्मीर साइड, मरी साइड, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर धूप नहीं निकलती, हर वक्त ठंड रहती है, तो जैसे पता है वो कपड़े वॉश करेंगे तो वो चाहते हैं कि जो बाहर निकले वो ड्राई हों, बिल्कुल 5 मिनट में जो है वो आप अगर उसे हैंग करने के लिए डालते हैं तो कपड़े बिल्कुल ड्राई हों या रेडी टू आयरन हों। बस कपड़े आप बाहर निकालें, आयरन करें और आप कबर्ड में हैंग कर दें, या आप वेयर करें और अपने जो है पार्टी वगैरह जहाँ भी जाना है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एयर ड्राई फंक्शन इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर आपने इमिजिएटली जाना है एक फंक्शन में और आपका वॉच नहीं है, तो आपने उसके एयर ड्राई के अंदर डाला, आपने उसे बिल्कुल ड्राई कर दिया, आयरन किया, पहना और फंक्शन में चले गए। तो ज़रूरी नहीं है कि एयर ड्राई फंक्शन आप हर दफ़ा यूज़ करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन का जो स्पिन है, स्पिन फंक्शन जो आप 4, 5, 6, 7 मिनट तक जो यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे से ड्राई कर देता है, 80% ड्राई कर देता है आपके कपड़ों को जब आप उसे हैंग करते हैं। विद इन अ हाफ आवर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाते हैं और आप उसे आयरन करें और यूज़ करें, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसके एयर ड्राई फंक्शन को। नॉर्मली जो है वो एयर ड्राई फंक्शन आप लोगों के लिए नहीं है, वो नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, या जो इमिजिएटली अगर आपने किसी लॉन्ड्री को आपने यूज़ करना है, वेयर करना है, तो उसके लिए एयर ड्राई फंक्शन दिया गया है। अदरवाइज़ जो है आप नॉर्मल स्पिन फंक्शन से ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि सर्दियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं इस्लामाबाद में हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ठंड होती है, पंजाब साइड पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन जो सिंध एरियाज़ हैं हमारे, तो वहाँ पर जो इतनी ठंड नहीं होती, तो वहाँ के लिए जैसे कराची है, कराची में हर वक्त सर्दियाँ नहीं आती, तो आप वहाँ पे एयर ड्राई फंक्शन ना यूज़ करें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इस तरह के ठंडे इलाके हैं, जैसे पंजाब साइड है, क्वेटा है, तो यहाँ पे जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं, तो यहाँ के इस वक्त इस दौरान आप एयर ड्राई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और लाइफ कम हो जाती है कपड़ों की। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि लाइफ कम हो जाती है जितना आप निचोड़ते हैं, जितना करते हैं। थ्रेड है वो वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, टूटना शुरू हो जाते हैं कपड़ों के अंदर, तो एहतियात से यूज़ करें ताकि आप वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर सकें और आपके कपड़े भी, उनकी लाइफ भी लॉन्ग लास्टिंग हो सके। और एहतियात यही है कि आपने हर दफ़ा एयर ड्राई फंक्शन यूज़ नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने स्पिन यूज़ कर लेना है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जो कि मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ एयर ड्राई वर्सेज स्पिन पर, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए कि उनके कपड़े ड्राई नहीं हुए, उनके वेट ही रहे एयर ड्राई फंक्शन यूज़ करने के बावजूद। उसकी दो वजह है, एक तो मैंने आपको जीन्स दिखाया था, जीन्स ऐसा कपड़ा है जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, हार्ड होता है, और वो इतनी आसानी से ड्राई नहीं होता, इसलिए मैंने जीन्स लिया था ताकि आप इजीली देख सकें कि वो कितना, किस हद तक ड्राई करता है। अगर इसके अलावा आपके पास सिल्क है, कॉटन है, आपके पास लॉन है, तो वो तो इजीली एयर ड्राई में जो है वो ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा ऐसा क्लोथ है जो कि वो ड्राई नहीं हो सकता? वूल, वूल मैंने ड्राई नहीं किया एयर ड्राई फंक्शन में, कभी भी जो है डेमो नहीं दिया उसका वूल का। मे बी स्वेटर्स वगैरह जो होते हैं को वॉश करेंगे तो एयर ड्राई फंक्शन में उसका गीला रहने का कितना चांसेस है, ये मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके देखेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लेकिन मैंने जीन्स यूज़ किया, इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो मोटा है, हार्ड है, तो वो इजीली ड्राई हो जाता है, जैसे कि आपने देखा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मुझे पूरे ड्राई फंक्शन में, हो सकता है कि आपने चेकआउट ना किया हो, क्योंकि वॉशिंग मशीन क्या करती है, अगर उसमें आपने कम कपड़े डाले हैं, क्योंकि ड्रम इसका बड़ा है, 1201678 वॉशिंग मशीन का ड्रम बड़ा है, तो उसमें अगर आप कम कपड़े डालते हैं तो वॉशिंग मशीन सही से स्पिन नहीं कर पाती, सही से जो है वो एयर ड्राई फंक्शन भी यूज़ नहीं करेगी। उसके अंदर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में ही कपड़े डालने हैं, और कितनी क्वान्टिटी आपने उसके अंदर
अंदर कपड़े डाले हैं ड्रम के अंदर, वो मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ वाटर लेवल के हिसाब से, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को। तो इसी तरीके से आपने जो है कपड़े इसमें क्वांटिटी में ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी, लेकिन अगर आप उसमें एक या दो डालेंगे तो ड्रम बड़ा है तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगी वॉशिंग मशीन। तो बेहतर होगा कि आप जो केजी के हिसाब से आप लेकर आए हैं तो उस हिसाब से ही कपड़े आप उसके अंदर डालें। अदरवाइज मैं आपको कहूँगी कि आप 9 kg या 8.5 kg वाली वॉशिंग मशीन आप इजीली यूज़ करें अगर आपके पास कपड़े कम है, तो फिर आप इतने बड़े ड्रम वाली वॉशिंग मशीन यूज़ ना करें। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि एयर ड्राई फंक्शन आप कब यूज़ कर सकते हैं, आप उसे विद इन 1 week यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्पिन फंक्शन ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ड्राई करता है, 80-90% वो आपको ड्राई कर देता है आपकी लॉन्ड्री को। तो आप बहुत अच्छे से उसे हैंग करें और विद इन 1/2 hour आपके कपड़े बहुत ड्राई हो जाते हैं और आप उसको आयरन करें और यूज़ करें। एयर ड्राई फंक्शन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा ही यूज़ करें। तो ये थी व्यूवर्स आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।